नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैदिक साहित्य के पाठ 2 के बारे में समझाऊंगी। प्रिय विद्यार्थियों, जो कि रीट लेवल 2000 रीट लेवल सेकंड जो आगामी दिनों में देने वाले हैं, उनके लिए इतिहास से संबंधित सभी टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम वैदिक साहित्य के पार्ट 2 के जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने पिछले वीडियो में मैंने वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद के बारे में बताया, किसके बारे में बताया था, वेद। और वेद कितने होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। ये 4 तरह के वेदों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। वेदों के बाद आते हैं बच्चों ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, 4 जो वेद हैं, उन्हीं के ऊपर गद्य भाषा और सरल भाषा में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था आरण्यक के बारे में। आरण्यक का मतलब है जंगल में बैठकर एकांत में जिन धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई थी उन्हें आरण्यक ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। आरण्यक ग्रंथ जो थे उसके बाद लिखे गए बच्चों उपनिषद। रहस्यवाद का प्रारंभ, आध्यात्मिक अनुभूति का प्रारंभ आरण्यक ग्रंथों से मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से आध्यात्मिकता से युक्त जो ग्रंथ माना जाता है वो उपनिषद माने जाते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार जो मिलते हैं वो हमें उपनिषदों के माध्यम से प्राप्त होते हैं बच्चों। तो उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित जो ग्रंथ है वो कहलाता है उपनिषद। दार्शनिक चिंतन जहां पर मिलता है वो कहलाता है आपका उपनिषद। उपनिषद जो है बच्चों 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस नी प्लस सद। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों उपनिषद। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना बच्चों? ज्ञान प्राप्त करना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है उनका दार्शनिक विवेचन हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो गुरु समीप बैठना ये इसका मतलब होता है और इसी से इनका नाम पड़ा है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, इन सब के बारे में हमें उपनिषदों के माध्यम से पता चलता है बच्चों। अब देखो विद्यार्थियों, उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। और उनमें से केवल 11 ही महत्वपूर्ण है बच्चों। उनमें कौन कौन से हैं बच्चों? देखो, ईश, केन, कंठ, छांदोग्य, इसके अलावा ईश है, केन है, कंठ है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, मुंडकोपनिषद। ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्य, जैमिनिया, ये कई ऐसे उपनिषद है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। बाकी उपनिषद इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन कौन से हैं बच्चों, एक बार और देख लेते हैं। उपनिषदों में ईश, के, कंठ, छांदोग्य, मुंडक,
मांडुक्य, मुंडक मांडुक्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, ये जो है बच्चों ये उपनिषद कुछ महत्वपूर्ण है। इनमें से बच्चों आपको ध्यान रखना है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत हो, इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है उपनिषदों की, और कई बार एग्जाम में पूछा जा सका है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में देखने को मिलता है। उपनिषदों 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्य, कई ऐसे सबसे बड़ा जो उपनिषद माना जाता है बच्चों वो है आपका बृहदारण्य उपनिषद, और सबसे छोटा जो माना जाता है वो माना जाता है मुंडकोपनिषद। तो ये जो आपके उपनिषद है इसमें दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है बच्चों। अब उपनिषदों के बाद बात करते हैं बच्चों वेदांगों की। वेदांगों की बच्चों अगर हम बात करें तो वेदांग 6 है। कितने हैं? 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो ये जो है आपके 6 है वेदांग है, वेदों के अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण से संबंधित बच्चों हमें कई ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आरपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पुट अप किए हैं बच्चों। पहला है पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखा वार्तिक और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। ये कुछ व्याकरण ग्रंथ है, कुछ क्या आरपीएससी ने कई बार इन पर क्वेश्चन पुट अप किया है कि अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है। तो ध्यान रखना है अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि है, कात्यायन वार्तिक का रचयिता है और महाभाष्य का रचयिता कौन है? पतंजलि है। तो वेदांग कितने हैं ध्यान रखना है बच्चों 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये 6 है आपके वेदांग। इसके अलावा वैदिक साहित्य में एक चीज हमें और देखने को मिलती है, वो है आपका सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। इन 4 सूत्रों के माध्यम से हमें किन किन चीजों के बारे में पता चलता है बच्चों वो देख लीजिए। स्रोत सूत्र के माध्यम से हमें वैदिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, ग्रह सूत्र में हमें दैनिक यज्ञ विधियों के बारे में पता चलता है, धर्म सूत्र में हमें सामाजिक नियमों का पता चलता है, जबकि शुल्भ सूत्र में हमें यज्ञ की जो वेदी है वो किस प्रकार से होगी इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि 4 तरह के सूत्र है, शोध सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। इस तरह से बच्चों हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य। तो वैदिक साहित्य के जो जो पाठ हमने पढ़े बच्चों वो कौन कौन से हैं एक बार उनको हम देख लेते हैं। पाणिनि ने क्या लिखा था बच्चों? अष्टाध्यायी लिखा। कात्यायन ने क्या लिखा? कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक लिखा। तो वैदिक साहित्य में हमने सबसे पहले वेदों के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अध्ययन किया, तीसरा हमने आरण्य ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया,
और चौथा हमने पढ़ा उपनिषदों के बारे में अध्ययन किया, और उपनिषदों के बाद हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया बच्चों, एक था आपका वेदांग और दूसरा था आपका कौन सा सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के बाद आते हैं बच्चों आपके पुराणों के बारे में। सूत्र साहित्य के बाद वैदिक साहित्य का पाठ माने जाते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है बच्चों, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, इसके अलावा आता है आपका विष्णु पुराण, कौन सा आता है भागवत पुराण। बाकी पुराणों में काल्पनिक कथाएं ज्यादा मिलती है, काल्पनिक कथाएं के माध्यम से जो है आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा, पारलौकिक जीवन कैसा होगा, इन सब के माध्यम से हमें पता चलता है। तो पुराण कितने हैं, 18 है। पुराणों के बाद आता है बच्चों महाकाव्य। महाकाव्यों में दो याद रखना है बच्चों आपको, एक आता है आपका महाभारत और दूसरा आता है आपका रामायण। महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास थे, और आपके रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। कौन थे, वाल्मीकि थे। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी महाभारत का एक हिस्सा है आपकी गीता, क्या है, गीता जो है इसी का हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार हमने वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। वेद ध्यान रखना है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा आता है आपका अथर्ववेद, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाला है बच्चों, उसको बोलते हैं होता, क्या बोलते हैं, होता। इसके अलावा यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला है उसको बोलते हैं अर्धव्यू, क्या बोलते हैं, अर्धव्यू। सामवेद का जो उच्चारण करता है उसको बोलते हैं उद्गाता, क्या बोलते हैं, उद्गाता, जो पुरोहित होता था। और अथर्ववेद का कहलाता था ब्रह्म। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था, कौन होता था, पुरोहित होता था, उसको होता के नाम से जाना जाता था। यजुर्वेद का जो होता था उसे अर्धव्यू के नाम से जाना जाता था। सामवेद का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित था उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता था, और अथर्ववेद का जो उच्चारण करने वाला था उसे किस नाम से, ब्रह्म नाम से जाना जाता था। ये चारों वेदों के पुरोहितों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखना। आरपीएससी ने कई बार इसमें से क्वेश्चन पुट अप किया है, ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अर्धव्यू, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्म। तो आज हमने वैदिक सभ्यता में जो आपका वैदिक साहित्य वाला जो टॉपिक था उसको क्लियर किया है बच्चों। आगे के वीडियोस में रीड लेवल 2 के जो बाकी टॉपिक्स है उन सबको मैं नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा बच्चों। मेरा खुद का अनुभव ये बताता है कि अगर हम डेली एक एक टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे तो हम अपने सिलेबस को पूरा कवर कर पाएंगे। आपको बच्चों टॉपिक वाइज पढ़ना है। आज मैंने जो आपको वैदिक साहित्य पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं आगे के वीडियोस में अवश्य दूंगी, तो देखते रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कमेंट्स दें ताकि आगे के वीडियोस में आपके लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद।